आज हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत ब्लैक होल्स मौजूद हैं। क्या आपको पता है कि एक ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? तो चलिए बैठते हैं हमारे इस स्पेशल यान में और चलते हैं हमारे तारे सूर्य की सैर पे। यह हमारा तारा सूर्य एक मेन सीक्वेंस स्टार जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये सभी प्लैनेट्स। स्टार्स के कोर में निरंतर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चलती रहती है जिसके कारण हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं और रिलीज करते हैं अत्यधिक मात्रा में एनर्जी। ये एनर्जी रेडिएशन कहलाती है। रेडिएशन स्टार की ग्रेविटी को पुश करती है और ग्रेविटी रेडिएशन को। इस तरह दोनों एनर्जी के बीच बैलेंस बना रहता है जो एक स्टार को स्टेबल रखता है। हाइड्रोजन से हीलियम और हीलियम से कार्बन, कार्बन से नियॉन, नियॉन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सिलिकॉन और सिलिकॉन से आयरन में न्यूक्लियर फ्यूजन निरंतर होता रहता है। लेकिन आयरन में परिवर्तन के बाद स्टार्स के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन आगे नहीं बढ़ पाता जिसके कारण आयरन ऐश के रूप में स्टार के कोर में एकत्रित होता रहता है। अंततः रेडिएशन और ग्रेविटी दोनों एनर्जी के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है और होता है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब या तो स्टार एक न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाता है, यदि स्टार का मास हैवियर था तो जन्म होता है एक ब्लैक होल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइड स्पेस